हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम दिखाएंगे 5 मिनट्स केक रेसिपी। जैसे आपके घर में कोई बच्चा है तो वो अगर ज़िद कर रहा है कि मुझे जल्दी से केक खाना है, तो आज आपको दिखाएंगे बिल्कुल बेसिक से इंग्रेडिएंट से आप घर में कैसे केक बना सकते हैं। और देखिए क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। उसके पहले सबसे पहले आपको दो एक बाउल चाहिए। एक आपको कोशिश करिए कि स्क्वेयर बाउल हो, और एक आपको मिक्सिंग के लिए कैसा भी बाउल ले सकते हैं। और हमने यहाँ पे लिए है 3 से 4 अखरोट, उसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है। और हमने 1 से 1.5 चम्मच लिया है टूटी फ्रूटी, और 1 कप इसमें दूध यूज़ होगा, और एक ये विस्कर यूज़ करेंगे हम, और एक थोड़ा सा हमें 2-3 ड्रॉप्स ऑयल चाहिए होगा ताकि हम इस पैन को ग्रीस कर सकें। आप कोई भी रिफाइंड सरसों का तेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे दो तरह के बिस्किट्स, जो हमारे हीरो प्रोडक्ट हैं इस केक रेसिपी के, हमने एक लिया है डार्क फैंटेसी, एक बर्बन का पैकेट जो है अराउंड 150 ग्राम का, और हमने एक ये छोटा पैकेट लिया पार्ले जी, जिसको हम मिल्की बाइट्स भी कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अवेलेबल है आराम से इजीली, और हम यूज़ कर रहे हैं एक इनो का। तो हम इसको, चलिए हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, बर्बन बिस्किट्स को एक मिक्सिंग बाउल में रख लेना है, और उसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस में आपको तोड़ना है उसको बिल्कुल। आप सबसे पहला काम आपको यही करना है। तो देखिए मैं भी कितने छोटे छोटे पीसेस को इसमें तोड़ रहा हूँ, इसकी मिक्सिंग बाउल में। इनको दिखाइए एक बार, ये कैसे कितने कितने छोटे पीसेस में तोड़ना है इनको। और सेम प्रोसेस आपको करना है अपने दूसरे बिस्किट्स के साथ। आप इसमें पार्ले जी, मिल्क बिकीज, जो भी आपको, ये जो नॉर्मल बिस्किट्स आपको आपके घर में है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अगर आपको ज़्यादा चॉकलेट केक पसंद है तो आप इसको अवॉइड करके चॉकलेट वाले बिस्कुट ज़्यादा डाल सकते हैं। चॉकलेट ये नहीं कि आपको सिर्फ सनफीस्ट ये बर्बन डालने, आप ओरियो या हाइड एंड सीक, जो भी आपके घर में चॉकलेट बिस्किट है आप उनका यूज़ करिए। तो जैसे ये छोटे छोटे पीसीस में ये आप कर लेंगे इसको, तो धीरे धीरे हम इसमें मिल्क पोर करेंगे। तो पहले आधा कप डालने के बाद हम विस्कर से इसको क्रश करने की कोशिश करेंगे। तो हमें एक अच्छा सा बैटर बनाना है। तो अभी हम थोड़ा और इसमें दूध ऐड करेंगे। तो हम ये इतना पोर्शन बना रहे हैं कि 2 से 3 लोग आराम से एक इस केक की सर्विंग बनेगी ये। तो अगर आपके घर इससे ज़्यादा लोग हैं तो आप इसकी क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं। तो देखिए आपको तब तक मिक्स करते रहना है जब तक इसमें कोई भी गांठें ना बने, लम्स ना बने कोई भी। तो इसमें कोई भी एडिशनल शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि जो बिस्किट है वो काफ़ी ऑलरेडी उसमें काफ़ी शुगर लेवल है। तो हम धीरे धीरे बाकी सारा दूध इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको आप इतने आप ध्यान रखें कि इस बैटर को बिल्कुल भी आपको पतला नहीं करना है। तो अगर आपको लगे कि आपसे गल्ती से थोड़ा पतला हो गया तो आप इसमें 2-3 बिस्किट और ऐड कर दें ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक रहे। अगर आपको लगे कि ये विस्क करने के बाद भी ये जो छोटे छोटे लम्स हैं ये जा नहीं रहे, तो आप एक काम करिए, एक फॉक लीजिए और उसको थोड़ा सा क्रश करिए जो भी लम्स हैं आपके। तो हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो गया। तो आप चेक कीजिए कि आपके बैटर की भी कंसिस्टेंसी इससे पतली ना हो। तो अगर आपका बैटर ऐसा बन जाएगा तो मतलब ये कुक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम देखिए अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स अभी हम ऐड नहीं करेंगे, ये 2 पार्ट्स में कुक होगा। और कुकिंग से पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा इनो लेना है, मतलब अगर आपके पास टीस्पून है तो आधा चम्मच आपने टीस्पून डालना है इसमें। हम देखिए बिल्कुल थोड़ा सा इनो इसमें डालेंगे।
इसको अच्छे से आप मिक्स करके, तो बस इसको क्या करना है हमें, ट्रांसफ़र करना है हमारे बेकिंग बोल के अंदर। तो ये देखिए हमारा ये है बेकिंग बोल। तो बेकिंग बोल को आपको करने से पहले 2-3 ड्रॉप्स, या तो आप ग्राउंडनट ऑयल, रिफाइंड सरसों का तेल, देसी घी, कोई भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल। सिर्फ आपको नीचे से ग्रीसिंग करनी है ताकि आपका जो केक बनने के बाद इजीली आपका यहाँ से बाहर निकल पाए। तो कोशिश करें कि इसके एजिस पे भी आप लगा दें। याद रहे कि एक्स्ट्रा बिल्कुल ऑयल नहीं लेना, सिर्फ 3 या 4 ड्रॉप्स आपको ऑयलिंग करनी है इसकी। उसके बाद देखिए हम इसका यूज़ करेंगे बटर पेपर के साथ। तो इससे क्या होगा, बटर पेपर आपका बिल्कुल इस पर चिपक भी जाएगा। उसके बाद आपको इस सारे बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। तो हम स्पैचुला की हेल्प से इस सारे बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और हम इसकी कुकिंग 2 पार्ट्स में करेंगे। टोटल इसकी 5 मिनट की कुकिंग होगी। पहले 1 मिनट हम कुक करके उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, और बाकी की 4 मिनट की कुकिंग उसके बाद करेंगे। अभी हम इस बैटर को रखेंगे माइक्रोवेव के अंदर। और याद रखिए कि पहले आपको सिर्फ 1 मिनट की कुकिंग करनी है, और 1 मिनट की कुकिंग के बाद हम अपना ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे इसमें। तो देखिए 1 मिनट हमारी इस कुकिंग का हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने वॉलनट्स। तो इसको थॉरली स्प्रेड करना है। हम इसमें पहले इसलिए ऐड नहीं करें, अगर हम पहले ऐड करते तो बिल्कुल नीचे बैठ जाता हमारा सारा कुछ। अभी थोड़ा सा ये 20% हमारा केक पक चुका है, तो बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा जो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ऊपर से। अभी इसको हम फिर से माइक्रोवेव करेंगे फॉर अनदर 4 मिनट्स। अभी बिल्कुल जब आपका ये केक बाहर आएगा तब आपको दिखाएंगे कैसा दिखेगा ये। तो हमारा केक उनके रेडी है, अब हम उसको निकालेंगे बाहर। देखिए कितना बढ़िया कलर आया इसका। तो आपको चेक कैसे करना है कि बना कि नहीं, तो एक कोई भी आप घर में चाकू यूज़ कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए। अगर ये बिल्कुल ड्राई बाहर आ रहा है तो आपका केक दैट मीन्स बिल्कुल बन के रेडी है। तो बट आपको करना क्या है, थोड़ा पेशेंस दिखाने, इसको रेस्ट कर देना है अभी 10-15 मिनट का, और खाने से पहले इसको थोड़ा सा रेफ्रिजरेट करना है हमें 15-20 मिनट, ताकि बिल्कुल प्रॉपरली सेट हो जाए ये। तो लीजिए आपका केक बनकर रेडी है। तो आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाएंगे थोड़ी देर में। देखिए ये बेनिफिट होता है बटर पेपर यूज़ करने का, इजीली आप बोल से इसको बाहर निकाल सकते हैं। देखिए अगर आप बटर पेपर का यूज़ नहीं करेंगे तो ये चांसेस रहते हैं इसके बिल्कुल नीचे चिपकने के। तो कोशिश करिए कि आप भी जब भी केक बनाएं, ना कि ये वाला, जो अगर आप नॉर्मल केक भी बना रहे हैं तो कोशिश करिए बटर पेपर को यूज़ करके बनाने का। अब 10 मिनट की हमने रूम टेम्परेचर पे इसको रेस्ट दिया है। अब इसको हम शिफ्ट करेंगे फ्रिज के अंदर, और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको हम फ्रिज में रेस्ट देंगे ताकि प्रॉपरली सेट हो पाए। अब 10-15 मिनट की रेस्ट के बाद हमने केक को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। इसको हम धीरे से ट्रांसफ़र करेंगे सर्विंग प्लेट के अंदर। देखिए कितने आराम से देखिए ट्रांसफ़र हो पा रहा है। तो बस आपको एक पेशेंस दिखानी है इसको सेट होने के लिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा आपको इसको भी पेशेंस दिखानी पड़ेगी। और देखिए हम इसको अब कट करेंगे। देखिए इसकी स्पॉन्जीनेस, कितना स्पॉन्जी केक बना। देखिए बहुत बढ़िया केक बनता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को फॉर मोर वीडियोस। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देंगे। और अभी टाइम है इसको टेस्ट करने का। बहुत बढ़िया टेस्ट है, बिल्कुल
मीठा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी एडिशनल शुगर डालने में इसमें ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत बढ़िया टेस्ट बन रहा है, बनाइए आप भी अपने घर में और तो बच्चों को टेस्ट कराइए। ये केक बड़े बच्चे आप सब खा सकते हैं केक। थैंक यू फॉर योर टाइम।